नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इन दिनों पूरे प्रदेश में विरोध और ज्ञापन देने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राजस्थान प्रदेश के बैनर तले मुख्यमंत्री का नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 6 अप्रैल को प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादली के केसुंदा कस्बे में प्रजापत समाज के युवक विकास प्रजापत की पीट पीट कर हत्या कर देने के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध तत्काल सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ ही आरोपियों को सजा दिलाए जाने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में महासंघ के बैनर तले ज्ञापन दिया। दरअसल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन झंडा लगाने के दौरान छोटी सादड़ी के केसुंदा जिला प्रतापगढ़ के निवासी विकास प्रजापत को आरोपियों ने अपहरण कर बुरी तरह से मारपीट की तथा पीट पीट कर विकास प्रजापत की निर्मम हत्या कर दी। वहीं संबंधित पुलिस थाने में आरोपियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पुलिस सूत्रों की यदि बात करें तो जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिसको लेकर जगह जगह अलग अलग टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राजस्थान प्रदेश के बैनर तले बांसवाड़ा जिला कलेक्टर परिसर में राधेश्याम प्रजापत प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रजापति समाज के कई लोग कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे, जहां आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई एवं जल्द गिरफ्तार करने के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। श्री विकास प्रजापत, एक सेकंड, श्री स्वर्गीय श्री विकास प्रजापत केसुंदा छोटी सादड़ी में दिनांक 6 अप्रैल 2022 के दिन भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा लगाने का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने श्री विकास जी प्रजापत को अपहरण किया और उनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम श्री प्रजापति समाज बांसवाड़ा एवं श्री प्रजापति महासंघ की तरफ से श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। मुख्यमंत्री के नाम हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और पीड़ित परिवार को पूरा इंसाफ मिले। नाम आपका? नाम मयंक प्रजापत, राधेश्याम जी प्रजापत।